कवर करेंगे ई कार्पेट। सीटिंग अरेंजमेंट है उसको बहुत ही प्यारा सा लुक दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। शाम के टाइम यहाँ की लाइटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है, जो चेंज हो रही है बार बार। अपनी जो ई कार्ट है वो इस चार मीनार के अंदर से निकलेगी। चलो भैया, चलो भैया। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, नाम है परमदीप सिंह और आप देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड गाइस, आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा इंडिया का छोटा सा मिनी टूर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपने इंडिया में काफ़ी फेमस फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो यार दिल्ली में हम आपको आज एक ऐसी जगह पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एक ही जगह पर। दिल्ली के पंजाबी बाग में रिसेंटली एक पार्क बना है जिसका नाम है भारत दर्शन पार्क, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अपने इंडिया के सारे फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एक ही जगह पर। तो काफ़ी इनोवेटिव स्टेप है, काफ़ी यूनिक जगह है और काफ़ी अच्छी जगह भी है, तो रिसेंटली ओपन हुआ है ये, तो एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस, ऑल इन ऑल आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव भी, क्योंकि हम भारत दर्शन पार्क को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग एंड चलते हैं भारत दर्शन पार्क। लेट्स गो। भारत दर्शन पार्क की एंट्रेंस काफ़ी प्यारी लगी। यहाँ पे आते ही आपको अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। टोटल 21 मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपनी कंट्री के फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वो आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ की टिकट प्राइस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एडल्ट की टिकट प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़ की, और एक प्रीमियर टिकट भी है। उसका सीन क्या है कि अगर आप किसी हॉलीडेज पर आ रहे हैं, सैटरडे संडे या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन आ रहे हैं, तो 150 रुपीज़ की टिकट रहती है एडल्ट की, और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी होती है टिकट एक अगर आप ई कार्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप उस पर राइड करना चाहते हैं तो उनकी टिकट 50 रुपीज़ की, हमने वो भी लिया है, उस पर भी राइड करेंगे, वैसे भी घूमेंगे, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे एंड आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वीडियो जैसा कि आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी, तो वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। और एंट्रेंस में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला जो एंट्रेंस गेट है, वही अपने आप में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसका नाम है तावांग गेट। इसकी स्टोरी ये है कि 1962 के इंडो चाइना वॉर के टाइम पर तावांग का कुछ पोर्शन चाइना के कंट्रोल में आ गया था, बट कुछ टाइम बाद फिर चाइना ने अपने आर्मी को वहाँ से हटा दिया था, तो वापस से वो एरिया इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। तो एंट्रेंस में ही जो गेट है यही एक मॉन्यूमेंट है, और अंदर भी और मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे। गाइस, एंट्रेंस बहुत प्यारी लगी और सेटअप भी काफ़ी अच्छा खासा लगा, पूरा अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ पे नाइट शो भी होता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं, आइए फिर। गाइस, अंदर आते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा बैन एंट्री। गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में तो सभी जानते हैं कि बॉम्बे में है और काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है अपने कंट्री का, और बैन एंट्री का यार, बैन एंट्री बेसिकली क्या है, अपने इंडिया का जो कल्चर है जिसको पूजा जाता है, गंगा किनारे यमुना किनारे देखने को मिलता है ये बैन एंट्री। एंड एक बात आपको बताना चाहूँगा कि शाम के टाइम यहाँ पे 5:30 बजे के बाद लाइटिंग्स होती हैं, और फाउंटेन्स वगैरह में भी लाइटिंग का शो होता है, तो बहुत ही प्यारा सा भी होता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लाइटिंग का और नाइट व्यू हम कवर करेंगे ई कार्पेट के, जैसे कि आपको बताया था। और गाइस, एक सबसे मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पार्क में जो भी 21 मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो बनाए गए हैं वेस्ट मटेरियल से, जो एमसीडी का स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल है उनको यूज़ करके बनाए गए हैं। बेसिकली जो वेस्ट टू वंडर पार्क है निज़ामुद्दीन में 7 वंडर्स का, उसी से इंस्पायर्ड होकर इस पार्क को बनाया गया है। एंड यहाँ की लाइटिंग्स जो है, जितनी भी लाइटिंग्स हैं वो सोलर पैनल से ऑपरेटेड है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आइए फिर। गाइस, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के जस्ट सामने, एंड यहां का एरिया काफ़ी खुला है, और यहां पे इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट भी कर रखा है, और यहां का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको बहुत ही प्यारा सा लुक दे रखा है इन्होंने यहां पे, आपको भी दिखाते हैं, देखिए, हैव अ लुक।
के जो साथ में आपको देखने को मिलेगी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अपने इंडिया की मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी रही है और वर्ल्ड की भी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से आती है ये। एंड गाइस, इसके बारे में ये है कि 3rd century में इसको बनवाया गया था मौर्यन एम्पायर में, बट बाद में इसको फिर डिस्ट्रॉय वगैरह भी कर दिया गया था। इसके बारे में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि ये कहा जाता है कि जापान और कोरिया से भी उस टाइम पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते थे, जिससे गाइस ये पता चलता है कि अपने इंडिया कल्चर कितना रिच है अपने, एंड अपने कंट्री की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अच्छी है। तो गाइस काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है ये, एंड शाम हो चुकी है, लाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड इस पार्क को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। आइए फिर गाइज, आपने अभी देखा सांची स्तूपा, एंड जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि लाइटिंग्स में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है यहाँ का। और यार ये पूरा पार्क काफ़ी बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए, 8.5 acres में बना हुआ है टोटल पूरा पार्क ये, तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये। जैसा कि आप सबको पता है ई कार्ट पे भी हम ट्रैवल करेंगे, तो अब जो बाकी का पोर्शन है इस पार्क का वो आपको दिखाएंगे ई कार्ट में। तो चलिए फिर ई कार्ट में ट्रैवल करते हैं, आइए। चलो भैया हम पहुंच चुके हैं अपनी इंडिया की शान कही जाने वाले, प्यार का सिंबल कहे जाने वाले ताजमहल पे, और लाइटिंग में तो और भी सुंदर लग रहा है, आपको भी दिखाते हैं, आइए। सो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं चार मीनार पे, जो कि हैदराबाद में है। एंड गाइज, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि शाम के टाइम यहाँ की लाइटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है, तो चेंज हो रही है बार बार, और फिर यहाँ पे ना स्पीकर्स लगे हैं चारों तरफ, आपको सॉफ्ट म्यूजिक भी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, तो बहुत ही पीसफुल सी फीलिंग लग रही है और पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ की काफ़ी। एंड गाइज, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ आने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो अब अपनी जो ई कार्ट है वो इस चार मीनार के अंदर से निकलेगी, दिखाते हैं आपको, देखिए। ये था भारत दर्शन पार्क, जिसे हमने यार एक्सप्लोर किया, एंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 21 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अपने इंडिया के। एंड यार शाम के टाइम लाइटिंग्स होने के बाद, जैसा कि आप सबने देखा कि बहुत ही प्यारा व्यू लगता है यहाँ का, और यहाँ की जो लाइटिंग्स है वो चेंज होती रहती है, एंड साथ में स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, आपको वहाँ पे सॉफ्ट म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा, तो काफ़ी पॉजिटिव सी वाइब्स है। एंड यहाँ का डे व्यू का अपना अलग मज़ा है, नाइट व्यू का अपना अलग मज़ा है। तो यार SDMC का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिन्होंने स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ये बेहतरीन और ब्यूटीफुल पार्क बनाया है। एंड गाइस, अगर आप दिल्ली में एक ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो भारत दर्शन पार्क ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छी जगह यार, सीरियसली अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। अब आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड आज की जगह कैसी लगी, और वीडियो लगी अगर अच्छी तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मेक श्योर कि बेल आइकन भी कर देना प्रेस, हमारे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
बहुत जल्दी आपको दिल्ली से बाहर के ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, प्लानिंग चल रही है बस। तो आप मेक श्योर बैल का सब्सक्राइब तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बैल आइकन भी प्रेस कर देना। अब हम निकलते हैं घर एंड आप सबसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।